तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस ब्रांड न्यू बैक टू बैक क्लच वाली नई वीडियो में। और फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ कैसल पे और मेरे ख्याल से बंदे मुझसे पहले पहुंच चुके हैं। जी हाँ, लेकिन वो बात मायने नहीं रखती, क्योंकि मायने ये बात रखती है कि तुम में से पहले हाथ में गन किसके आती है। और गन भैया सबसे पहले हमारे हाथ में आ चुकी है, तो मारा कूटने का काम हमने शुरू कर दिया है। और मेरे को तो इस टीममेट के ऊपर दया आ रही है। नहीं 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 भाई, इसने बोला होगा कि भाई मैं सेफ हूँ, तू आ जा, वो तो चला गया है, मेरे को रिवाइव दे दे। और जो वार्तालाप अब चल रही होगी वो सुनने योग्य नहीं होगी। फिलहाल के लिए सामने मैंने एक बंदा नॉक किया। अबे यार, ये पीछे से कहां से आ गया फुट स्टेप दिए बगैर। फिर कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम निर्लज्ज प्राणी हैं तो आ जाते हैं बिना शर्म साटे करे हुए। मेरे कासल पे आ गए हैं। अब यहाँ पर बंदे हमारे ऊपर रश कर देते तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, या तो लॉबी जाएंगे या तो इनको मारेंगे। और फिलहाल के लिए मेरा लॉबी जाने का कोई मन नहीं है, तो मेरा मानने का ही मन था। तो भैया मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सेंटर में और सबसे ऊपर चढ़ जाता हूँ। मैंने कहा अब आओ तुम अंदर, एक बार अंदर आ गए ना तो सालो तुमको सीधा लॉबी नहीं पहुंचाई तो मेरा छोड़ो यार, मत बदलो। अब इनका एक लौंडा तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूसरा वाला जरा शाना निकलता है। वो भैया मेरे पीछे आता है और उसको लगता है मैं उधर से आऊंगा। यार सामने होते हुए भी मेरा 1v4 का रुक गया, जोर से आ रहा था, कर ही देना था। यार ये मोली किसकी थी साला, उसकी मोली में जाके मैं जला। नहीं नहीं, मोली मेरे पे थोड़ी आई, मैं मोली में जाके जला। अब फिलहाल के लिए सामने मैंने एक बंदा फोड़ दिया। अबे यहाँ को फिर मोली डाल दी। हल कितना मोली माली खेल रहे हैं, लगता है इनको आंख से खेलने का बड़ा शौक। तो ज्वालामुखी इनके पास आ चुका है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बंदा राइट में और एक बंदा इधर है, लेकिन उतने में पता चलता है यहाँ पर उसने रिवाइव भी नहीं दिया भैया जिसको मैंने नॉक करा था। तो इन चारों की पेटी बनाने के बाद अपन चलते हैं सीधा दूसरी टीम के ऊपर। अबे साले को फिनिश कर दें तो, वरना किल पहले चोरी हो जाते हैं। अबे यार आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि दो बंदे आ गए थे। अबे तेरी क्या जीजा, मौसी का घर। अबे पूरी बात भी नहीं बोलने देते यार, शांति से चेन से। अबे तू कर क्या रहा है, दो नंबर। नहीं साला, साथ में रहते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाता है। वो तो शुक्र मनाओ मैंने जो तेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई है वो काम आ गए और तूने मेरे को यहाँ पर बचा लिया। अभी यार यहाँ पर तुमको मैं बताता हूँ कि क्लच करने के लिए करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो अपने टीममेट को अपने ग्रेनेड से फोड़ दो और उसके बाद सारे बंदों के किल ले लो। वो तो शुक्र मनाओ मेरी शॉट गन का, जो मैंने यहाँ पर सही टाइम पे चला के तेरे को बचा लिया। अब यार ये वाली स्क्वाड को भी हम फिर से निपटा डालते हैं। मेरे को लग रहा है ये रिवाइव होके आए थे, वही वाले बंदे थे। खैर कोई बात नहीं यार, वहां पर कासल में पूरे लिपटा के अपन आ जाते हैं सीधा यशनाया की इन बिल्डिंगों के ऊपर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक बंदे का फुट स्टेप आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसके ऊपर चढ़ के रश करते, लेकिन थोड़ी सी मेरी जीजी फटी हुई थी, क्योंकि यार मेरे टीममेट का मैं वेट कर रहा था। क्योंकि अकेला अगर मैं घुस गया और ये मेरे को नहीं मिला तो मैं सीधा लॉबी जाऊंगा और ये साला छोड़ेगा भी नहीं मेरे को फिनिश करने में। तेरी माँ के। अब यार इनको मारने के बाद इसका जो टीममेट था ना, बड़ा स्याणा था भैया, हमारे सामने भालू बन रहा है। तेरा क्या मौसा का छोरा लगता हूँ मैं, जो तेरे को छोड़ दूंगा। अब इनको निपटाने के बाद हम आ जाते हैं सीधा अपार्टमेंट की इन बिल्डिंगों के ऊपर। बच गए भैया, वरना ही सीधा पेटी बन जाती। अभी मेरे को समझ में नहीं आया कि यार इसको पता कैसे चला कि मैं इसके ऊपर क्लच करने आ रहा हूँ। रश तो बाद में करेंगे, पहले मैंने क्लच करने की सोची थी, फिर बाद में सोचा कि रश कर देंगे। चलो कोई बात नहीं यार, अभी इनको भी मार देते हैं। अब जोन में जाना ज्यादा जरूरी था, तो हम आ जाते हैं यार जोन के ऊपर निकलने के लिए। अब वैसे जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने ऊपर फायर आता है, तो मेरे पिछली गाड़ी का टायर फोड़ दिया है किसी ने, और उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि अपने पास पैसा बहुत है। तो भैया मरम्मत तो हम करा लेंगे और अपनी गाड़ी लेके निकलते, क्योंकि भैया जोन के अंदर जाना है, जोन भी बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। और यहाँ पर मैं हील लगा रहा था, उतने में ही किसी ने मेरे माथे में दे मारी। तेरी क्या पड़ोसन की गर्लफ्रेंड लेके भाग गया था सोलह, इतनी दूर से मेरे को मार दिया। अभी यार यहाँ पर मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव देता है, लेकिन इसके बाद जो मेरा टीममेट करता है वो तो देखने योग्य था। नहीं नहीं, तुमको देख के बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई मेरे को हील लगा लेने, पर ये बोलता है नहीं भाई बैंडेज लगा और गाड़ी में बैठ जाता हूँ। मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ इसकी सुन के, लेकिन यार मैं गलत गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि इन भाई साहब को मैंने कितनी बार सिखा दिया है कि भैया सीधी गाड़ी ले लिया करो और थोड़ा धीरे चलाया करो मिराडो को, लेकिन ये सुनते नहीं है और सीधा चला देते हैं मिराडो को। अब यार एक काम इनको दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, ये जाके ठोक देते हैं पत्थर में। लियो अभी हील भी नहीं करने देंगे मेरे को साले, उन्हें ही मरवा के छोड़ोगे। अब ये बोलता भाई बैठ जा,
इसीलिए मैं डर रहा था। अब यार मेरे को मालूम था कि यहाँ पर बचना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने उम्मीद छोड़ दी और फायर करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, इसकी मौत देख के जाओगे? चलो ठीक है। अब इसको लग रहा था कि भाई मैं मर कैसे गया हूँ, पर बाद में इसको पता चलता है कि भाई जोन ने मेरे को मारा, वो भी मेरे बताने के बाद पता चला, वरना इसको ये भी नहीं पता चलता। 4 साल से गेम खेल रहे पर अभी तक गेम सेंस के नाम पे इसके दिमाग में सिर्फ भूसा आया हुआ है। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे।